प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो है 6 माह के ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट का मेरिट लिस्ट है जारी कर दी गई है। दोस्तों इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेगी, जैसे इसके लिए अनुबंध प्रमाण पत्र लगेगा, दस्तावेज परीक्षण हेतु दिशा निर्देश दी गई है, लिखित परीक्षा परिणाम प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जो है जिले वाइज अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बालोद, बलौदा, बाजार, बलरामपुर, इन सभी के लिए जो पूरा 28 जिलों की जो इसमें सूची दी गई है। दस्तावेज परीक्षण हेतु इसमें सूचना इस प्रकार से दी हुई है, जैसे कि देख पा रहे हैं दस्तावेज परीक्षण हेतु सूचना 6 माह के जो 800 पदों हेतु 6 माह के ब्रिज कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम जुलाई 2022 में जो प्रशिक्षण के लिए जो है लिखित परीक्षा ली गई थी, उसके बाद जो है लिखित परीक्षण उपरांत जो है प्राप्त परिणामों के आधार पर जिलेवार आरक्षण और मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण दिनांक 12/8/2022 को राज्य के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी में प्रातः जो है 9 बजे आयोजित किया जाएगा, जिस हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1:15 अभ्यर्थियों की जो जिलेवार आरक्षण और मेरिट क्रम में प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से जाकर के आप जो है जो अपलोड जो सूची है उसको देख पाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं दस्तावेज परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार से दी हुई है। इसके लिए आपको जो है 12/8/2022 को राज्य के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में प्रातः 9 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। पंजीयन का समय प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थी के अनुपस्थिति की दशा में प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधित रिश्तेदार को दस्तावेज परीक्षण हेतु नामांकित कर सकते हैं। इस हेतु अभ्यर्थियों को लिखित आवेदन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन उपरांत निम्नलिखित दस्तावेज आपको लेकर के जाने होंगे: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति, 10वीं 12वीं की अंक सूची की प्रति, स्नातक डिप्लोमा BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM के समस्त वर्षों के जो है अंक सूची की प्रति, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, 3 नग पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक, अनुबंध हेतु 50 रुपये का स्टाम्प पेपर। मतलब आपको जो अनुबंध आगे मैं आपको दिखाऊंगा अनुबंध में क्या आपको लिख कर लेके जाना है, और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको टाइप करवा करके ले जाना है। अभ्यर्थी उपरोक्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रति को उल्लेखित क्रम में व्यवस्थित कर, मतलब इन्हीं क्रम में 2 सेट आपको जमा करके ले जाना है, और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज परीक्षण पर ही 3 वर्ष की सेवा शासकीय संस्थानों में दिए जाने हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा, इस प्रकार से इसमें दी गई है। उसके बाद जो विज्ञापन अनुसार आवेदक से ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय में अपलोड नहीं कराया गया था, इसलिए आपको मूल दस्तावेज लेकर के जाना है। यदि आपके जो डॉक्यूमेंट में यदि आप कुछ त्रुटि फॉल्स जानकारी भरे होंगे तो आपकी जो आवेदकता है वो निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार जैसे देख पा रहे हैं अनुबंध पत्र, इस जो अनुबंध पत्र मतलब 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में ये जो अनुबंध पत्र में दी गई है इसको जो है आपको टाइप करा करके नोटरी करा करके ले जाना रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इन्हीं प्रकार के आपको टाइप कराना है। इसमें दिया गया है यह कि उक्त कोर्स हेतु शैक्षणिक शुल्क का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा, तथा अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान रहने व भोजन खर्च के लिए मासिक शिष्यवृत्ति 1 मुश्त प्रति माह 10,000 रुपये अधिकतम 6 माह तक उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। ये सभी शर्तें जो अनुबंध की शर्तें इन सभी को आपको स्टाम्प पेपर में लिखवा करके लेकर के जाना रहेगा, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ये अभ्यर्थी का नाम, गवाह के हस्ताक्षर, तो इस फॉर्मेट को आपको जो है टाइप करा करके उस दिन आपको ले जाना है जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आज तो 11 तारीख है, कल मींस 12/8/2022 को जो आपको 9 बजे उपस्थिति देना अनिवार्य है, क्योंकि 9 बजे से जो है पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों यदि और आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं हमसे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.cghealth.nic.in में जो अपलोड की गई हुई सूची देख सकते हैं। इसका लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक का जो ये 4 पेज दिखा रहा हूँ इन सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप स्वयं डाउनलोड कर पाएंगे। ये जिलेवार लिस्ट है, आप अपना नाम सूची में देख पाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।